नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। सवाल एक ही है सबकी जुबान पर, किसका होगा राज तिलक बिहार में। लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो ये कह रहे हैं कि बेहद कांटे की टक्कर होने वाली है। तो उसी चर्चा के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले हमारी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो जाए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर हो जाए और उनके साथ हम वो आंकड़े आपको बताते चले जो कि नजर आ रहे हैं हमारी एग्जिट पोल के मुताबिक। एक दायरा हम आपको दे रहे हैं। हम पहले आपको बता रहे थे कि दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े थे, लेकिन अब आखिरी आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और हम इन तस्वीरों के साथ, इन 3D इमेज के साथ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या तस्वीर यहां पर हो सकती है। बीजेपी का जो दायरा है वो 111 से 127 के बीच नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जो दायरा है वो कह रहा है 113 से 124, यानी कुछ भी हो सकता है। पर क्या हमारा ये पैनल इस बात से इत्तेफाक रखता है या नहीं रखता है? दानिश रिजवान जी हमारे साथ हैं, हम के प्रवक्ता हैं, साथ ही संजय मयूख जी हमारे साथ बीजेपी की बात रखने के लिए, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं जो कि अपना चुनाव भी उन्होंने लड़ा है इस बार, तो आरजेडी का रुख वो रखेंगे। और जो चौथी कुर्सी हमारे सामने है वो है अजय आलोक जी की, जो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम चर्चा शुरू करें पहले, उससे पहले वोटिंग परसेंटेज भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर मामूली सा फासला हमें नजर आ रहा था। जो बीजेपी प्लस है वहां पर हमें 41% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो जेडीयू प्लस है वहां पर 40%, यानी जरा से फासले के साथ सीटों का कितना फासला हो जाएगा वो भी बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं इसके बाद से, हालांकि कुछ खामोशी भी है, जैसे अमित शाह कह रहे हैं कि मैं तो 8 तारीख के बाद ही बोलूंगा, लालू यादव आते हैं बोलते हैं 190 सीटों से कम हमें नहीं मिलने वाले हैं, इस तरह के कितने बयान आ रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद ये चर्चा। अच्छा चलिए, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये कांटे की टक्कर है दानिश? मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, एग्जैक्ट जो लालू प्रसाद यादव जी का जो लगातार बयान आ रहा है, लालू प्रसाद यादव जी का, अगर आप जब से वो सत्ता से दूर हटे हैं, 2005 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि व्यापार बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन हश्र देखा। उसके बाद सेटिंग करी, चूंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, और फिर से भंग करा दिया विधानसभा को, जनादेश का अपमान किया, फिर से चुनाव हुआ 2005 में और उस वक्त फिर से हार गए। 2010 में भी चुनाव का परिणाम है, फिर हारे और उसके बाद हार के पहले यही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के वक्त उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गए हवा में, लेकिन परिणाम आया वो भी उनके खिलाफ था। तो आज भी बोल रहे हैं, दो दिन और खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, दो दिन की खुशी। 190 लालू यादव के हिसाब से। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिहार के चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं जनादेश, उसमें कई तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो 190 का उन्होंने दावा किया है उसमें हकीकत पूरी तरह से है। हकीकत है 190 क्यों कर है, क्योंकि जिन लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं, या जो जिन लोगों ने जमीनी हकीकत, जो सतही जानकारी जिन लोगों के पास नहीं है, उन्हें लग रहा है नीतीश कुमार जी का, लालू प्रसाद जी का गठबंधन पूरी तरह से आम और आवाम में लोगों ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग। तो यह कहना, तो जब दो आप देखें कि लालू प्रसाद जी का जो विकट परिस्थितियों में, जिसकी चर्चा अभी हमारे रिजवान भाई ने की, हमारे छोटे भाई रिजवान जी हैं, इन्होंने चर्चा भी कर दी, लालू प्रसाद जी का वोट हर चुनाव में भले ही हमारी सीटें कमाई लेकिन इंटैक्ट रहा। तो हमारा जो वोट विकट परिस्थितियों में जो इंटैक्ट रहा, और नीतीश कुमार जी का जो वोट इंटैक्ट रहा, आपकी सिर्फ सीटें घटी हैं, सीटें घटी है, इसलिए आप बता रहा हूं, आप देख लीजिए कि सिर्फ जो आप मार्जिन के भी चर्चा आपने की कि 2% 3% आगे चलता है, मैंने 31% वोट लाकर के देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश की सरकार में सत्तासीन है, और 69% वोट लाने वाला जो विपक्ष है, बिखराव का जो स्थिति बनी देश के अंदर में, वो सत्ता से बाहर है। तुम्हारे कहने का आशय यह है कि अभी जो मुगालते में लोग जो जी रहे हैं, ये मुगालते इनकी खत्म होगी तब जब 8 तारीख को। अमित शाह तो चुप है, बोला तो सीट का आकलन तो लालू यादव दे रहे हैं, लेकिन अरे इब्तदा है, इस कह रोते हैं, कह रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, 8 तारीख को सारे सामने सामने चीजें से श्वेता जी है। वैसे बातों में हमारा कोई विश्वास नहीं है, जिस बात में कही जाती हो कि बिहार के 40 में 40 सीट हम जीतेंगे, सब कुछ हवा में है। और दिल्ली याद कर लीजिए, मैंने बीच में नहीं टोका है, कृपया न बोले। हमारा सीधा मानना है कि ये हवा में बात नहीं हो रही है। आपने सर्वे की बात पूछी है तो सर्वे एक और दिखा रहा है,
एक चैनल यह भी दिखा रहा है कि हम 155 प्लस जा रहे हैं। मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है, यह चुनाव हमने लड़ा था विकास और परिवर्तन के नाम पर, और विकास और परिवर्तन के नाम पर मतदान हुआ है, तो मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, तो परिणाम हमारे पक्ष में होगा, और वह परिणाम सारे सर्वे को फेल करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब कोई जंगल राज नहीं चाहता। हमने पिछला चुनाव भी लड़ा था तो हम जंगल राज के खिलाफ लड़े थे, और आज एक बार फिर से जंगल राज के साथ हाथ मिला के जिस तरह से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया गया है, फिर से वही दिन लाने की जो कोशिश की गई है उसके खिलाफ यह मतदान हुआ है, और उस मतदान के कारण महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी, और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख तक यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम नहीं बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का आशय है एक अप्रत्याशित जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और वह अप्रत्याशित जीत, वह परिणाम 8 तारीख को सबके सामने आएगा। दिलचस्प का एजेंडा बिहार में लागू होगा। दिलचस्प ये है देखना कि कोई जुबान बंद रखकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरा आत्मविश्वास देखो, कोई जुबान खोल कर कह रहा है कि मेरा आत्मविश्वास देखो। पहले उन सब की बातें ही सुन लेते हैं और उसके बाद ये चर्चा। मैं 8 तारीख को बोलूंगा, मैं 8 तारीख को बोलूंगा। ये सारे सैंपल फेल हो जाएंगे, रिजल्ट के दिन जीतेगी बीजेपी। कोई भी एज दिखा रहा, हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे और रिकॉर्ड वोटों से सब जगह जीतेंगे। हम सरकार बना रहे हैं, 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल ये हवा तूफान जो बहाए हुए हैं महागठबंधन के लोग, इनकी वही दुर्दशा होगी जो लोकसभा के चुनाव में हुआ था। लेकिन सच ये है कि महागठबंधन को बिहार के चुनाव में 190 सीटा रहा है, 190 ग्रेट विक्ट्री है, ग्रेट विक्ट्री। हमको तो मालूम है रिलायबल सोर्सेस से कि नरेंद्र मोदी जी रिजल्ट के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करके गुजरात वापस जाएंगे। एक कट्टर पंथ का प्रकाशा पर पहुंचा दिया भाजपा राज नरेंद्र मोदी ने, तो सब लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, दलालों को छोड़कर, दलाल लोग इस देश में हैं, लेकिन सारा तबका, सारा वर्ग, ट्रेडर से लेकर के जो भी है, सारा विद्रोह के राह पर है। कोई लीड नहीं ले रहा था, अब बिहार लीड ले रहा है, विद्रोह के राह पर है। दरअसल एक महीना प्रचार और चुनाव का, और 2 दिन जो होने वाले हैं वो दावों के 2 दिन होने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मुझे लगता है, हालांकि है संबंधित आपसे, लेकिन ये बताइए कि ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि कौन सा गठबंधन जीतेगा, या ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन के भीतर कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, क्या ये तय करेगा दिशा? उसके बाद मैं उनसे जवाब लूंगी। देखिए, दिशा जो भी तय करे, लेकिन हमने एक चीज तय करी है। जब हमारा अलायंस हो रहा था, और उस वक्त हो रहा था जब हम देख रहे थे कि बिहार एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, हम जीतन राम मांझी जी ने जब 34 एजेंडे को कैबिनेट से पास कराया था, और आनंद फानंद ने, नीतीश कुमार ने उन तमाम एजेंडे को खारिज कर दिया, तो उस वक्त हमें लगा था कि एक उम्मीद एक ऐसी सरकार से करते हैं जो विश्वास की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने उस विश्वास को कायम रखने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से थोड़ी देर पहले शक्ति सिंह जी बोल रहे थे कि 1% और 2% का फासला है, तो हमारे बिहार में आप हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस की तैयारी बहुत लड़के करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जुडिशियरी की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर फेल कर जाते हैं तो अपने सहपाठी और दोस्तों से बोलते हैं कि आईएएस में 1 मार्क्स से हम छूट गए थे, इसलिए फेल कर गए और खेती करना पड़ रहा है। किसी से बात होती है तो बोलते हैं बीपीएससी में 2 नंबर से छूट गए थे, इसलिए दुकान चलाना पड़ रहा है। तो 1% से कम हो शक्ति जी, या 0.1% से कम हो, सत्ता आपके हाथ से उस वक्त भी गई थी और इस वक्त भी जाएगी। सर्वे जो आ रहा है 1% का फासला बता रहा है, लेकिन 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो मैं लालू जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसा ही बयान दें, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये नहीं कि जैसा वो मीडिया कर्मियों के साथ सलूक करते हैं। ये बताइए ना, 190 सीट तो लालू जी बोल रहे हैं, लेकिन उन 190 सीटों में आरजेडी का कितना है, अपनी पार्टी का? श्वेता जी, डिफरेंट चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने अपना सर्वे किया, और हर के अपने अपने मापदंड है। सर्वे का सैंपल सर्वे है, 155 का ये दावा कर रहे हैं, तो एक जगह इन्हें 90 से 100 भी मिल रहे हैं, 90 से 100 भी मिल रहा है, तो 100 और 90 भी मिल रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसका अपना इंटरनल जो सर्वे है, उस आलोक में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 190 कहा। वो मास्टर हैं,
वो बिल्कुल डॉक्टर हैं राजनीति के, तो इस आलोक में अपनी बात उन्होंने कही है और मैं कहता हूँ उसमें यथार्थ है। यथार्थ को आप अपनी बातों से आप आंकड़ों के आधार पर उसको झुठला नहीं सकते, बिल्कुल झुठला नहीं सकते। अजय लोग जी आ गए मैं बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक बात बिल्कुल सवाल हम ये जानना चाहते हैं, देश की जनता भी जानना चाहती है, आखिर वो कौन सा मत है जिसके बल पे आप दम भर रहे हैं? अरे वो छोड़िए ना, मैं तो आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, 190 सीटें लालू जी बोल रहे हैं, उसमें आरजेडी की कितनी होने वाली हैं? आरजेडी की अहम भूमिका है गठबंधन में, ज्यादा अहम या अहम? हम तो लड़ रहे हैं ना, हम तो 243 पर लड़ रहे हैं, लालू जी 243 पर लड़ रहे हैं, नीतीश जी 243 पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी 243 पर लड़ रही है, तो हमारा गठबंधन ही जब 243 पर लड़ रहा है तो इसमें कौन कम कौन ज्यादा, और गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी लालू जी ने कहा, तो आप सवाल ये उठता है कि इसमें ज्यादा कम का यहाँ तो बने जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरों की, अजय आलू जी ज्वाइंट कैंपेन है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कितना भी कन्विंस कर लिया गया है जनता को, लेकिन सबके मन में सवाल ये फिर भी रह जाता है कि अरे आखिर में अगर लालू जी को ज्यादा वोट आ गए, आरजेडी को ज्यादा सीटें मिल गई, तो उसके बाद इस गठबंधन का क्या होना है? आप लोग आश्वस्त नहीं कर पाए? ऐसा है कि जब लालू जी ने एक बार नहीं खुद कई बार और आज खुद शाम को फिर उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा भी सीट आती है तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब जनता को समझ में आ गया, लीडर को समझ में आ गया, मीडिया को क्यों नहीं समझ में आता है? मीडिया को इसलिए नहीं समझ में आता है कि समझ नहीं आता एजेंडा किसका चलेगा अगर ज्यादा सीटें आ गई। एजेंडा तो मुख्यमंत्री का ही चलता है ना, बस तय होना चाहिए एजेंडा। तो आप ये क्या ये कहना चाहेंगे संजय जी? संजय जी दो दिन पहले, अरे संजय जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी लालू जी का बयान आया था कि सरकार को हम चलाएंगे। नो नो आज बता सके प्रधानमंत्री मैं सुखदेव भाई करता हूँ, लालू प्रसाद जी ने कहा कि हम सब लोग मिलकर करके बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के हित के लिए सरकार चलेगी। आप कहाँ चला रहे हैं? गाली अरे आप लोग दोनों एक अलग अलग बोलिए ना, पांडे से नहीं आ रही। अरे पूछ लीजिए गोपालगंज में जाकर के अपने लोगों से, जिन लोगों ने AK-47 के सेवन के बल पर क्या क्या किया, ये सारे गवाह है ना, इतिहास सारे गवाह है ना, इतिहास में आप जिसके अहले थोड़ी देर पहले अपने चर्चा कर दी, भागलपुर दंगे के आपके नेता ही थे, शाहबुद्दीन क्या मिला था, ये पूरा आपकी सरकार थी, शाहबुद्दीन क्या मिला था, लश्कर ए तैयबा का भागलपुर दंगे का हम जिक्र न करें तो अच्छा, आज भी उस पुल के नीचे भागलपुर दंगे का न्याय पाने के लिए एक समिति का जो एक दफ्तर है वो आज भी वहाँ पर है, किसी को न्याय नहीं मिला है। पहले की थी इसी चर्चा मत कीजिए, विधानसभा का जेल के आदर्श है वही उसी दल में, विधानसभा के पटल पे राष्ट्रीय जनता दल कॉमनल हार्मोन को बिगड़ने वाले ताकतों के खिलाफ क्या चर्चा करना चाहते हैं? इस पवित्र हार गए, हार गए, हार गए, हार भी गए, एक मेरे यहाँ कहावत है कि हारेंगे तो थूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे, ये कहावत हारने की निराशा आपको लग रही है। आप ये देखिए, 2 तारीख की रात में अमित शाह जी अचानक राजनाथ सिंह का बयान आता है कि चुनाव हार भी गए तब भी अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे, रात की फ्लाइट पकड़ के अमित शाह पटना छोड़ के चले जाते हैं, ये सुन रहे आज 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 प्रधान टीवी में देख रहे हैं। अरे बोले नहीं ना संजय जी, आप बीच में क्यों रोक रहे हैं? संजय जी अपना है, ये हारे हुए लोग हैं, ये ठुकराए हुए लोग हैं, क्या फायदा है ये ठुकराए हुए लोग? अब जनता ने ठुकरा दिया तो कोई बात नहीं, अंतिम चुनाव नहीं, आगे भी चुनाव आएगा, प्रयास कीजिएगा उसमें। अजय आलोक जी 8 तारीख को मिलेंगे, दिल्ली की तरह बिहार की जनता मिलेगा, क्योंकि हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बार बार बिहार के संदर्भ में दिल्ली का जिक्र क्यों उठ जाता है ये मैं आपसे जानूंगी। 2 दिन बाद क्या होना है, नतीजों का इंतजार सबको है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं वो एक दायरा दे रहे हैं सीटों का, जिसे देकर इतना समझ में आ रहा है कि पता नहीं 8 तारीख को क्या हो जाए, किस तरफ किसकी जीत हो जाए, क्योंकि उस दायरे में अधिकतम सीटें जिसे मिल गई उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि यहां पर जो हमारे मेहमान बैठे हैं उनका मानना है कि मिलेगा तो दोनों तरफ किसी ना किसी को एक प्रचंड बहुमत ही मिलेगा। हम ये नहीं मानते, हम ये मानते हैं जो प्रचंड बहुमत है वह परिवर्तन और विकास के लिए है, वह जंगल राज के लिए नहीं है। जंगल राज के खिलाफ प्रचंड बहुमत है कहां? मंडल राज 2 के लिए है। जो तड़प रहा था बिहार वह समय आ गया है, और अब विकास को, नरेंद्र मोदी के विकास को, अमित शाह जी के विकास को
सहमति दी है बिहार की जनता ने। गुजरातियों के विकास से बिहार का विकास नहीं होगा संजय जी, आप सम्मान रखिए कुछ अपना। अरे अपना कांग्रेस गुजरात मुक्त बिहार बनाना है, भारी वर्ष तैयारी करना है। हम जनता का रिमोट से चलने वाले लोग हैं, खत्म हो गया जनता हमें तय करेगी। संजय मयूख जी आपका अनुमान खत्म हो गया। अजय आलोक जी जनता तय करेगी। अजय आलोक जी ये आपके विरोधी भी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। अजय आलोक जी वो मानेंगे नहीं ना, वो नॉन स्टॉप बुलेट। ये आपके विरोधी भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कोई भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आई, नीतीश कुमार की छवि अलग थी। आपको लगता है कि उस विकास की छवि, जो विकास पुरुष की छवि उनकी थी, उसको आपने खुद अपनी मर्जी से धूमिल कर लिया, जिसकी वजह से आज ये नेक इन नेक नजर आ रहा है, शायद कोई और नतीजा होता। कहीं से नहीं धूमिल हुई है छवि। और जहां तक आप लोग बात कर रही हैं, तो नीतीश और लालू एक ही परिवार से आते हैं, आज से नहीं जेपी आंदोलन से समय के साथी हैं। जब नीतीश तो आपके कई साथी बीजेपी में भी हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, आप सुनिए। जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 1996 में गए थे, उस वक्त भी बड़ा अटपटा लगा था कि नीतीश कुमार कैसे बीजेपी के साथ गए। उस वक्त समय की मांग थी, आज समय की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वृहद गठबंधन तैयार किया जाए, उसके तहत सब लोग साथ में आए। तो इनको क्यों नहीं लग रही है? अरे आप हमसे लड़िए ना, लालू का भूत क्यों घुस गया आपने? राजनीति उतर जाएगा इनका, शुरू हुआ कांग्रेस के खिलाफ और आज आप कांग्रेस के साथ। आपको जयप्रकाश जी की आत्मा रो रही होगी। आपके तो नेता ही कांग्रेसी थे यार, जयप्रकाश जी की आत्मा रो रही होगी। दो दिन आगे की तस्वीर देखने के चक्कर में इतिहास में बहुत पीछे जा रहे हैं। बोल लीजिए, दो दिन आगे की तस्वीर देखने के चक्कर में हम बहुत पीछे जा रहे हैं इतिहास में। दरअसल दो दिन का इंतजार करना ही पड़ेगा। श्वेता जी आपने एक सवाल किया था, मैं इसका मन चाहता हूँ कि छोटा सा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल छोटा सा। आपने पूछा था पहले कि दिल्ली के म्याज पर आप बिहार के म्याज से क्यों जुड़ते हैं। मैंने नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के सभाओं में कहा था कि देश का म्याज, दिल्ली का म्याज देश का म्याज। ठीक है, तो ये बिहार वही म्याज है बिहार के अंदर में। परिवर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ की तस्वीर देखने के लिए हमें बहुत लौटना पड़ेगा।